राजधानी जयपुर में अनलॉक वन में सरकार की ओर से दी गई ढील के बाद तमाम बाजार जरूर खुले, लेकिन इसके साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ती रही। हालांकि कोरोना को लेकर निर्देशों की पालना के लिए पुलिस को सरकार से सख्त आदेश जारी किए हैं। इस आदेश के बाद पुलिस लगातार सख्ती से सोशल डिस्टेंसिंग और तय की गई तमाम गाइडलाइन की पालना को लेकर लगातार पेट्रोलिंग कर रही है। प्रदेश सरकार की ओर से लॉकडाउन में ढील जाने के बाद में अब तमाम बाजारों के अंदर जो दुकानें हैं वो खुलना शुरू हो गई है, मगर सबसे खास बात यह है कि लॉकडाउन में ढील दिए जाने के बाद में यहाँ पर तमाम जो दुकानदार हैं वो लगातार सोशल डिस्टेंसिंग जो कि सरकार की ओर से कही जा रही है, बार बार मास्क लगाने की जो बात की जा रही है, उसमें कहीं ना कहीं वो लोग लापरवाही कर रहे हैं। और इसी का नतीजा यह है कि सड़कों पर अब जो जिम्मेदारी यहाँ पर खाकी को सौंपी थी, उस खाकी को वो जिम्मेदारी है जो खाकी है वो उनको भरपूर तरीके से निभाती हुई नज़र आ रही है। और इसी के चलते लगातार बाज़ारों के अंदर जो पुलिस है वो लगातार गश्त कर रही है। तस्वीरों में आप देखेंगे कि यहाँ पर पूरा ये सिंधी कैंप का बस अड्डा है और यहाँ पर देखेंगे कि पुलिस किस तरीके से यहाँ पर पूरी तरीके से जाप्ता लगा करके बैठी हुई है। और लगातार ऐसे लोग जो सोशल डिस्टेंसिंग की जो पालना नहीं कर रहे हैं, जो दुकानदार हैं या जो खड़ी ठेले वाले हैं जो इन नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं, उनके खिलाफ यहाँ पर सख्ती से निपटते हुए नज़र आ रही है। तमाम जो बाइकों पर जो लोग निकल रहे हैं, चाहे उन्होंने मास्क नहीं पहना हो या जिन्होंने जो WHO की जो गाइडलाइन है, जो सरकार की ओर से तय की गई जो गाइडलाइन है उनका उल्लंघन कर रहे हैं, उन सभी को लेकर के यहाँ पर वो लगातार सख्ती दिखा रहे हैं और उनके खिलाफ यहाँ पर कार्रवाई कर रहे हैं। कई दुकानों को यहाँ पर सीज किया गया है और कई जो दुकानदार जहाँ पर भीड़ नज़र आ रही है वहाँ पर ये हिदायत दी जा रही है कि दो या दो से अगर पाँच से ज़्यादा कोई व्यक्ति नज़र आता है तो उन पर कार्रवाई कर रहे हैं। मगर यहाँ पर फिलहाल कुछ दुकानों ने जिनका इस नियमों का उल्लंघन किया है उन पर यहाँ पर पुलिस लगातार सख्ती से पेश आई है। और किस तरह पुलिस जो लगातार ये सख्ती दिखा रही है, क्योंकि लॉकडाउन अनलॉक किए जाने के बाद में जो लॉकडाउन था, जो फर्स्ट की जो मियाद है वो यहाँ से शुरू हुई है, उसमें किस तरीके से उसकी पालना करा रही है इसको लेकर के हमारे साथ यहाँ पर थाना प्रभारी हैं यहाँ पर सिंधी कैंप के, जिनको यहाँ जहाँ पर जिम्मेदारी सौंपी गई, क्योंकि सिंधी कैंप एक बहुत बड़े मास एरिया है जहाँ पर सबसे ज़्यादा लोगों की जो भीड़ है वो जुटना तय थी और उसी के चलते यहाँ पर लोगों की जो भीड़ है वो जुटी हुई है। मगर किस तरह सख्ती अपना रही है इसके लिए हम बात कर रहे हैं, हमारे साथ यहाँ पर थाना प्रभारी हैं यहाँ पर जुल्फिकार जी, उनसे बातचीत करते हैं। सर, किस तरह की जो सख्ती है वो दिखाई जा रही है आज ढील का पहला दिन है? ये देख रहे हैं कि लोग जो बाहर निकल रहे हैं वो प्रॉपर मास्क वगैरह लगा के निकल रहे हैं या नहीं निकल रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग की पालना कर रहे हैं या नहीं कर रहे, और बेवजह इकट्ठा नहीं हो, भीड़ नहीं करे, ये गश्त के दौरान ये देखा जा रहा है। जो नियम तय किए गए उन नियमों के हिसाब से कुछ दुकानदार हैं जो दुकानों पर अपनी भीड़ जमाए हुए हैं और मास्क भी नहीं लगा? अपने यहाँ तो लगा रखा है, मास्क भी लगा रखा है, भीड़ भी ज़्यादा नहीं है, गाड़ियाँ खड़ी हैं इनकी, दुकानदारों की गाड़ियाँ हैं जो हैं, एक एक दो दो आदमी है, दुकानों पे भीड़ भी नहीं है। अपनी चेतक और मोबाइल लगातार इलाके में गश्त कर रही है, प्लस अपन ने पॉइंट भी लगा रखे हैं दो, वो भी इसमें चेकिंग में और इसमें मदद कर रहे हैं। कब तक ये गश्त रहेगी, लगातार कंटिन्यू चल रही है? कंटिन्यूसली चल रही है, पारियों में लग रही हैं, 8-8 घंटे की ड्यूटियाँ लग रही हैं, 24 घंटे चलती है ड्यूटियाँ। अब तक कुछ कार्रवाई की गई है सर, किसी के चालान काटे? वो काटे जा रहे हैं, पर एग्जैक्ट अब फिगर पता नहीं कितने काटे हैं, काटे जा रहे हैं, जो उल्लंघन करता है नियमों का उसका चालान भी काटा जा रहा है, जुर्माना भी वसूल किया जा रहा है। बिल्कुल तय किए गए मानों के अनुसार जो लोग इस लॉकडाउन की यहाँ पर पालना नहीं कर रहे हैं, चूँकि अभी तक लॉकडाउन जो है वो 30 जून तक है, मगर जो नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं उनके खिलाफ यहाँ पर पुलिस लगातार सख्ती से पेश आ रही है। और आप देखेंगे इस पूरे बाजार में चप्पे चप्पे पर पुलिस तैनात है, लगातार पुलिस से जो लगातार पेट्रोलिंग कर रही है और हर आने जाने वाली जो गाड़ियां हैं उनको चेक किया जा रहा है, चूँकि किसी प्रकार की कोई ऐसी असामाजिक तत्व हैं जो इस लॉकडाउन का पालना करने के दौरान यहां पर उसका उल्लंघन ना करें, इसके चलते लगातार पुलिस गश्त पे है और लगातार पेट्रोलिंग करते हुए सोशल डिस्टेंसिंग हो या मास्क लगाने की प्रक्रिया हो या जो नियमों का उल्लंघन करने की जो बात कही जा रही है उस पर कहीं ना कहीं अपनी नज़र बने हुए है। अगर कोई भी ऐसा तत्व या जो तमाम जो लोग हैं, जो जनरल जो लोग हैं जो सड़कों पर निकल रहे हैं, अगर वो इसका उल्लंघन कर रहे हैं तो उनके खिलाफ है जो पुलिस है सख्ती से यहाँ पर पेश आ रही है। कैमरा पर्सन यश माथुर के साथ यादविंद्र शर्मा, A1।